इवनिंग का, जिसमें जो विंग है वो मांग जी को कहते हैं लंच जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। तभी ना मांग जी कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, बस कॉल डॉन में बोलते थे, फिर कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा, जल्दी चलो मेरे साथ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी 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 करके ना लंच को ना खींचते हुए ना कार में बैठाते और फिर ना वहाँ से ना फ़ौरन ड्राइव करके जाने लगता है। तो फिर ना उसका कार में ही फोन सामने रखता था, वो अपनी पॉकेट में नहीं रखता, मीन्स कार में रखता है सामने फोन। तो फिर उसके बाद फिर ना अब आते हैं और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे पहुंचे हैं, जहाँ से ना फुल सिटी नजर आ रहा है। 2 आवर्स की ड्राइविंग के बाद पहुंचते हैं और वहाँ एक खूबसूरत सी टेबल सेट हुई हुई है, वहाँ खाना लगा हुआ है, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुली वो जगह फुल डेकोरेट हुई हुई है, लाइट्स लगी हुई है और लंचा और विंग की पिक्स लगी हुई है इकट्ठे की और काफ़ी, और बहुत जगह ब्यूटीफुली डेकोरेट हुई है। तो ना मांग जी वो सारी जगह देख रहा था, तो ना अचानक से ना उसको कुछ फील होता है, हमने ना उसको हल्का सा अपने बॉडी पे टैप फील होता है, तो वो पीछे देखता है कि जो विंग है वो अपने नीस पे बैठा हुआ है और फिर वो कहता है कि ना लंजा आई लव यू सो मच बिलीव मेरी भी, इस तरह बोल सकते, लेकिन ना लंजा हाँ बोलने वाला था, लेकिन उसको फिर याद आता था कि ना विंग उसको ना चीट कर रहा है। तो फिर ना वो लंजा को गुस्सा आ जाती है, बात सोच गई और वो जो लड़को ने दोनों ने उसकी फेस पे हाथ रखा हुआ था, तो फिर उसको ना ये सोच के ना उसको जलसी फील होती है, जिस पर हम कहते हैं ना जलसी और गुस्से में ना हम कुछ इस तरह के कदम उठा लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होती है। तो फिर ना वांग जी कहते हैं यू स्लट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा, ये सुन के ना विंग शॉक हो जाता है और इधर उधर देखता है, वो कहते हैं तुम मुझे कह रहे हो, कहते हैं ओ तो यहाँ और कौन है जिसे मैं कहूँगा हाँ स्लट, वो दोबारा ऐसे बोलते कि वो विंग फ़ौरन खड़ा हो जाते, उसके हाथ से ना वो रिंग गिर जाती है और कहते ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम मुझे स्लट क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसे क्या किया है, तुम किस तरह कह रहे हो मुझे। फिर ना वहाँ जी कहते कि ना स्लट को स्लट ही बोला जाता है, फिर कहते तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे एक गोल्ड डिगर का प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा, तुम ये तुम्हारी भूल है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक चीटर हो, मैंने तुमसे प्यार किया था मैं सच्चे दिल से, बट तुमने क्या किया तुमने मुझे चीट किया, नफरत करता हूँ तुमसे, तुम सिर्फ एक स्लट है जो किसी के सामने भी अपनी लेग्स को ओपन कर सकता है, इस तरह बोलता है तो फिर ना अब विंग का ना बस हो जाता है और उसकी आँखें फुल रेड हो जाती है, उसके आईज के आई से ना टीयर्स गिर रहे होते, तो वो ना जोर से स्लैप कर देता है वांग जी को, ना वांग जी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था, तो फिर ना विंग ना रोने लगता है नीचे बैठ के, और फिर जो मांग जी होता है वो उसको वहीं पे ना छोड़ के चला जाता है, कार लेता है और फिर ना वहाँ से ना कार ड्राइव करके जाने लगता है। और हाफ आवर बाद ना जो विंग का फोन, जैसे मैंने आपको बताया कि ना कार में पड़ा हुआ था तो वो रिंग होता है, तो फिर ना मांग जी पहले तो कॉल उठाता नहीं, उसके बाद फिर सोचता है कि ना विंग को किसकी कॉल आ रही है, तो फिर ना वो करके ना कहते कि ना फिर तो उसके बॉयफ्रेंड्स की नहीं आ रही, कहते बट उठा के देख लेता, उसके बाद फिर ना वो उठाता है और देखते हैं कि ना वो एक वॉइस कॉल होती है और ना 3 persons वाली होती है, एक विंग और 2 और persons होते हैं, और वो कोई और नहीं चेरी और एलेक्स होते हैं, और वो कहते हैं विंग बनी थैंक यू सो मच, तुम्हें पता है वो दोनों ने हमें बताया कि ना वो हम दोनों एलेक्स पहले बोलते कहते हैं, उसने मुझे बताया मेरे लवर ने कि वो मुझे पिछले 3 years से प्यार करता था और वेल मैं तो उसे 3 months से प्यार करता था, मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया था, बट वो कहते हैं कि ना बस वो कन्फेस नहीं कर सका था, और फिर ना वहीं पे चेरी बोलते कहते हैं तुम्हें पता है वो अपनी लवर के बारे में बताते कि ना वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, वो तो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और कल जाके मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लान की वजह से हुआ, अगर तुम ऐसे ना करते हमारे प्लान में हमारा साथ ना देते हमारे फेक बॉयफ्रेंड ना मरते हमारे लवर्स के सामने, तो शायद ऐसा कभी हो ही ना पाता, तो आज शायद हम एक रिलेशनशिप में भी ना आते, थैंक यू सो मच विंग। और मुझे याद आया तुमने बताया था कि आज तुम अपने उस लामवांग जी को ना प्रपोज करने वाले, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, इस तरह बोलते और फिर कहते कि ना हेलो विंग तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर ये सारी बातें सुन के तो वांग जी कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, उसको ना ऐसे लगते जैसे किसी ने उस पर फुल उसकी दुनिया गिरा दी है,
कुछ गिरा दिया उसके ऊपर, उसका फुल हार्ट जो होता है मिलियन पीसेस में ब्रेक हो जाता है, वो फोन कट कर देता है और ना रोने लग जाते हैं और कहते हैं ये मैंने विंग के साथ किया, क्या विंग को मिसअंडरस्टूड किया, उसने तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स की हेल्प की थी और मैंने उसके साथ क्या किया, उसने इतनी अच्छी जगह डेकोरेट की थी, तो फिर उसको याद आता है कि ना विंग वहीं पे और वो उसकी कार लेके आए, क्योंकि विंग और वांग जी इकट्ठे आए थे, तो फिर ना वांग जी जो होता है वापस जाता है और उस जगह को देखता है और देख के शौक हो जाता है, और हम देखते हैं विंग का सीन जो कि ना वांग जी को जाते हुए देखते हैं और रोते हैं और कहते कि ना वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ये क्योंकि ना वो रोने लगता है। और उसके बाद फिर ना वो सारी डेकोरेशन देखते हैं तो ना वहाँ हर चीज़ तोड़ देता है, सारा खाना गिरा देता है, वो जो प्लेट पूरी टेबल उसने सेट की होती है उसको पूरा ना नीचे फेंक देता है, उल्टा देता है, और हर जितनी भी डेकोरेशन होती है हर चीज़ फाड़ देता है, वो हर चीज़ तोड़ देता है और ना वहीं पर रो रोता है। और उसके बाद फिर कहते कि ना मैं एक जीना डिजर्व नहीं करता, नहीं मैं जी कर वो कहते कि ना मान जी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मैं तुम्हारा इतने 3 ईयर्स तक तुम्हारा वेट किया और तुमने मुझे क्या किया, तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे, और कहते कि ना मैंने तुम्हें चीट किया, ऐसा कैसे हो सकता, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने 3 साल तक सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें चीट करूँगी, ये बोलते हुए फिर ना वहाँ से ना भागता हुआ ना कहीं किसी डायरेक्शन में ना चला जाता है, वो जंगल नहीं होता, वो एक खुली प्लेस होती है और सामने हाईवे होता है, और ना वो ऐसे भागते जाता और उस टाइम में ना वो ना ये नोटिस नहीं करता कि ना वांगी ना कार लेके वापस आ चुका है, और वो साथ से गुजर जाता है, बट काफ़ी ज़्यादा उनमें डिस्टेंस होने की वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते, और फिर ना जो वांग जी होता है उस जगह पे आता है और देखता है वहाँ रिंग भी गिरी हुई है, हर चीज़ टूटी हुई है, तो फिर ना ये देखे ना वो भी वही रिंग पकड़ के ना रोने लग जाते, और फिर कहते हैं विंग कहाँ चले गए तुम, प्लीज़ विंग मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, ये कह के ना वो भी रोने लग जाते, और उसकी बात कहते हैं ना विंग तुम कहाँ चले गए, तो वही कह के ना वो कार में बैठता है और फिर ना जाके ना पूरी जगह देखते हैं, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आता और वो हाईवे पे जा रहा है, और उसके बाद में वो देखते हैं कि ना वहाँ पे ना एक रोड पे ना एक फिगर का ना एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर ना ये देखे ना जो वांग जी है ना उसका ना हार्ट बहुत जोर जोर से बीट करने लगता है, उसको डर लग रहा था कि वो कहीं फेंक तो नहीं, तो फिर जब और जैसे वो उस पर्सन के पास जाता है उनके पास काफ़ी सारे लोग जमा हुए होते हैं, और जैसे वही देखता है तो उसका तो जैसे हार्ट ब्रेक ही हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि विंग ही होता है, विंग का एक्सीडेंट हो चुका होता है, तो फिर ना ये देखे ना वांग जी उसको उसके पास जाता है और उसको उठाने लगते कहते हैं विंग विंग प्लीज उठो, प्लीज़ अपनी आईज ओपन करो विंग विंग उस तरह कहते हैं, तो फिर बट विंग को ना कोई होश नहीं आ रहा होता, वो फुल अनकॉन्शियस होता है, उसकी ना फोरहेड से काफ़ी जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो फिर ना वांग जी कहते हैं प्लीज़ उठो विंग प्लीज़ विंग उठो, उसके बाद फिर ना उस टाइम पर ना एम्बुलेंस आ जाती है, तो फिर ना उसको एम्बुलेंस से ले जाते हैं विंग को, और उसको ना हॉस्पिटल में जो करा देते हैं एडमिट कराते हैं, और फिर वहाँ पे ना दोनों की फैमिलीज भी आ जाती है लंच और विंग की, और फिर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो फिर जो वांग जी होता है वो ज़्यादा तो कुछ नहीं बताते, बस ये बताते कि ना विंग का एक्सीडेंट हो गया हमें, तो फिर कहते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहते वांग जी कहते मुझे नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ना ये दोनों आज डेट पे जाने वाले थे, बट इनको ये पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उस टाइम पे जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है काफ़ी टाइम बाद, और वो कहते हैं कि विंग का ना हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फिर ना वहाँ जी कहते हैं प्लीज़ डॉक्टर कुछ भी करके मिले ना विंग को बचा ले प्लीज़ प्लीज़ करके ना, रोने लग जाता है, उसके बाद ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और फिर अब हम देखते हैं 3 वीक्स बाद का सीन, जहाँ पे अब जो विंग है उसको हल्का हल्का होश आ जाता है, और वो सामने ना अपने जो पर्सन होता है उसको देख के ना हर किसी स्माइल करता है, बट फिर उसकी स्माइल फेंट हो जाती है, उसको फिर याद आता है कि क्या हुआ था उसके साथ, तो फिर ना वो वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि वो पर्सन वांग जी ही होता है, वांग जी की आइज में ना टीयर्स आ जाते हैं विंग को इस तरह देख के, और फिर कहते हैं कि ना फाइनली विंग तुम आ गए,
तो होश में आके तुम्हें पता है तुम टेम्परेरी कोमा में चले गए थे एक्सीडेंट के बाद, और हद जाके तुम ना होश आया, और फिर ना वो कहे ना मैं कहा काले देखे थे, मैं रियली रियली सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया। जिस दिन मैं रिटर्न हुआ था यूएस से, तो मैंने तुम्हें एक पर्सन के साथ देखा था, मैं एक कैफेटेरिया में बैठा था, मैंने तुम्हें एक पर्सन के साथ देखा था जिसके साथ तुम बहुत लवी डवी हो रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम तो मुझे चीट कर रहे हो, बट मैंने सोचा कि तुम मुझे खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, बट तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और 2 दिन बाद तुम एक और पर्सन के साथ थे, और उसके बाद फिर तुमने मुझे नेक्स्ट डे प्रपोज किया, तो मेरे अंदर से वो गुस्सा था, मैं तुम्हारे से बात करना चाहता था, बट तुम पूरा दिन बिजी होने की वजह से तुम मुझसे बात ही नहीं कर सके, और मैं तुमसे बात नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा हट गया, तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, रिव्यू बोलता, और फिर ना हाथ दिखाता और कहते कि ना मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और ना इस दफ़ा मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, वही रिंग निकालता और ना ना तरफ करता है, और ना नीज के बल बैठ जाता है, और कहते कि ना विंग विल यू एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड, सून टू बी हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, वो इस तरह बोलते, तो फिर ना विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, कहते कि ना वहाँ जी मुझे माफ़ करता हूँ, तो फिर ना वहाँ जी का ना हार्ट जोर जोर से बीट करने लग जाता, और कहते नहीं विंग तो मुझे मना नहीं कर सकते, तो फिर ना विंग एक छोटी सी स्माइल करता है, और फिर कहते कि ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से बताना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, और वेल तुम्हें कैसे पता चला कि मैं, मेरा इसमें कुछ भी वो नहीं था, मैं सच था, मतलब मैंने तुम्हें चीटिंग किया, कहते कि ना मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स की कॉल आई थी, और फिर ना वहाँ जी सारी बात बता देता है, तो फिर ना विंग स्पैन करता है, और फिर कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, और इस तरह बोलते और स्माइल करते हैं, और फिर ना दोनों ना एक दूसरे को फिर ना वही रिंग पहनाता है, वहाँ जी विंग को, और उसके बाद फिर ना वो दोनों वहाँ पर ना किस करते हैं, और उस टाइम पर ना उनके पेरेंट्स भी एंटर होते हैं, और फिर दोनों को किस करते हैं, देख कहते कहते वहाँ जो जंक्शन होता है वो जोर से चिल्ला के बोलते, कहते यू नेस्टी ची बर्ड्स, ये चलो एक रूम ले लो, तो फिर ना वहाँ विंग कहते कि ना हम एक रूम में ही थे, तुम लोग अंदर एंटर हुए, तो फिर ना सिचैन कहते हैं कि ना बेबी उनको छोड़ दो, तो फिर ना तुम भी तो ऐसे ही हो, तो फिर ना जो जंक्शन होता है वो ना उससे स्टैंड को देखते, कहते नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वो इस तरह बोलता है और स्माइल करता है, और फिर ना जंक्शन कहता है यू बेटर बी कीप क्वाइट, इस तरह बोलते हैं, तो फिर ना जो सिचैन आता है वो नकल करते हैं, और हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे सिचैन और जंक्शा और विंग और लंचा की मैरिज आपस में हो चुकी है, और तो चारों बहुत खुश है, और एक दूसरे की तरफ देखे कहते हैं आई लव यू, और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है, होप ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो टाटा बाय बाय।